हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 9+3 जिसका सम आपके पास इक्वल दिया गया है 27 के इक्वल दिया गया है, 3+7 जिसका सम आपके पास इक्वल दिया गया है 21 के इक्वल दिया गया है, नेक्स्ट 5+8 जिसका सम आपके पास इक्वल दिया गया है 40 के इक्वल दिया गया है, और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 9+4 किस चीज के इक्वल होगा, ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूँ। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 9+3 जिसका सम आपका इक्वल होगा 12 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 27 के इक्वल दिया गया है, नेक्स्ट 3+7 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 10 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 21 के इक्वल दिया गया है, नेक्स्ट 5+8 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 13 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 40 के इक्वल दिया गया है, और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 9+4 जिसका सम आपके पास अगेन इक्वल होगा 13 के इक्वल होगा, और आपको यहीं पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स किसका यहाँ पे आपके पास कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंपली आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, इसमें आपको क्या करना है, आपको करना है इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 9 × 3 जिसका सम आपके इक्वल होगा 27 के इक्वल होगा, और 27 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपके पास सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि आपको क्या करना है, आपको करना है इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 3 × 7 जिसका सम आपके इक्वल होगा 21 के इक्वल होगा, और 21 आपको अपने स्क्रीन पे भी देख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपके पास सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि आपको क्या करना है, आपको करना है इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 5 × 8 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 40 के इक्वल होगा, और 40 आपको अपने स्क्रीन पे भी देख रहा है। इसी तरह लास्ट में भी आपके पास सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 9 × 4 जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 36 के इक्वल होगा, यानी कि जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहां पे आपके पास क्या आएगा, 36 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।